हेलो उच्चा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बैक पेपर में भी फेल हो गए हैं, और कई बच्चों तक अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कई बच्चों का कि मतलब हमारा रिजल्ट सेम वही पहले वाला दिख रहा है, तो हम पास हैं या फेल हैं, या फिर हमारा रिजल्ट बाद में आएगा, और रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आगे की प्रोसेस होगी, हम क्लास 11th में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, या फिर हमको क्लास 10th दोबारा रेगुलर करनी पड़ेगी, या फिर दोबारा बैक पेपर होंगे, कब होंगे, और कितने बार अभी हम और बैक पेपर दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों ने तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, कंबोसर टाइप करिए अपने इंस्टाग्राम पर जाकर के, और जरूर फॉलो करिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। बाकी आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं आज के इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला है कि रिजल्ट सेम टू सेम लिखा रहा है, मतलब रिजल्ट वही है जो आपने पहले मेन एग्जाम दिया था, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया था वही सेम रिजल्ट आपको अभी भी देखने को मिला है जब आपका बैक पेपर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो वो आपको ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, बैक पेपर दिया है, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो पहले वाले मार्क्स से कम आ रखे हैं। ठीक है, यही रीजन है कि आपका जो रिजल्ट है वही पहले वाला शो हो रहा है, क्योंकि बैक पेपर जियो में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि अगर आपके बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट में मार्क्स बढ़ते हैं तब आपका नया रिजल्ट अपडेट होकर के आएगा, और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, पहले वाले जो नंबर थे उससे कम नंबर आते हैं, तो आपका पहले वाला ही रिजल्ट शो होगा। तो जिन बच्चों का रिजल्ट पहले वाला शो हो रहा है, यानी आपके मार्क्स बढ़े नहीं है, और आपके आप अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया तो आपके सेम वही मार्क्स हैं, और अगर आप बैक का एग्जाम दिया तो उसमें आप क्लियर फेल हो चुके हैं, तो उसमें आपने ज्यादा सोचना नहीं है। अब कई बच्चों के कमेंट्स ये हैं कि सर मैं पास हूँ, और मतलब एक सब्जेक्ट में पास हो गया बट दूसरे सब्जेक्ट में मुझे ग्रेस नहीं मिली, या फिर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। तो देखो, ग्रेस मार्क्स का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ग्रेस मार्क्स के लिए आपको थ्योरी में यानी रिटर्न एग्जाम में 25% मार्क्स लाने होते हैं। जैसे अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से आपको 17.5 या 18 नंबर मिनिमम लाने हैं ग्रेस के लिए, तब जाकर के आपको 5-6 नंबर की ग्रेस मिलती है, और आपके 24-25 नंबर बनते हैं जिसमें आप क्लियर पास होते हैं। क्लास 10th 12th का तो सिंपल सा नियम ये है कि क्लास 10th में देखो अगर आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके 33 नंबर आ जाते हैं तो आप क्लियर पास हैं, और ऐसी क्लास 12th में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके अलग 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 33% नंबर लाने होते हैं। अगर हम बात करें थ्योरी, अगर आपका एग्जाम 70 नंबर का है, और अगर आपकी क्लास 12th वालों की बात कर रहा हूँ, और थ्योरी में अगर आपके नंबर आ रखे हैं 18 नंबर लगभग आ रखे हैं, तो आप 25% मार्क्स ला चुके हैं, और 25% में आपको 6-7 नंबर की ग्रेस दे करके वो क्लियर पास कर देंगे। और अगर आपको बिना ग्रेस के पास होना था तो आपको 70 में से लगभग 24 नंबर आपको क्लियर लेकर के आने थे। तो जिन बच्चों के देखो 17 नंबर से कम है उनको तो ग्रेस नहीं मिली होगी, 17.5 से भी कम नंबर है तो उनको ग्रेस नहीं मिली, बट जिन बच्चों के मार्क्स 18 है, 18.5 है, 19 है, तो उनको ग्रेस दे करके क्लियर पास कर दिया गया है। तो एक ग्रेस को लेकर के जिन बच्चों को डाउट था, आई होप कि वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलो, रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है, और रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि फेल लिखा हुआ शो हो रहा है, तो अब आगे क्या करें, रेगुलर पढ़ें या फिर अगले साल का इंतजार करें? तो देखो, ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप रेगुलर करना चाहें तो रेगुलर भी कर सकते हैं, अभी आपके पास मौका है। और अगर आप सिर्फ जिस सब्जेक्ट में, अगर मान लो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप फेल हैं, या फिर किसी कारणवश आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आपने रेगुलर नहीं करना है, आप सिर्फ बैक पेपर ही देंगे, और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जिसमें आप फेल है। तो अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आपके सारे लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं तो आप रेगुलर करिए टेंशन फ्री होकर के, क्योंकि देखो कम मार्क्स लेकर के भी कोई फायदा नहीं है। और अगर एक या दो सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हैं, और अगर आप बैक पेपर का, जिसमें आपने बैक पेपर दिया है, तो आप सिंपली क्या करें, उसी का दोबारा बैक पेपर का फॉर्म फिल करिएगा। टोटल देखो बैक पेपर देने के आपके पास 3 मौके रहते हैं, तो 3 में से 1 मौका आप अभी गवा चुके हैं, अभी आपके पास सिर्फ 2 मौके और बचे हुए हैं। अब वो 2 मौके आपको कब मिलेंगे? अभी कई बच्चों के कमेंट्स आए कि सर क्या अक्टूबर नवंबर में भी हमारे बैक पेपर होंगे, और मतलब आगे कब होंगे? तो कई बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए मुझे इंस्टाग्राम पर, बच्चों ने मैसेज किया, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो इसलिए मैं आपको दे भी रहा हूँ क्योंकि वही सेम क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे रिपीट कर रहे हैं जिनका रिजल्ट फेल आया है, तो मैंने कहा एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए। देखो, अक्टूबर में नहीं होंगे आप लोगों के बैक के पेपर। अब जो 2 मौके आपके पास हैं, टोटल 3 मौके थे, 3 में से 1 अभी आप गवा चुके हैं, 2 मौके और आपके पास है, तो वो 2 मौके आपको कब मिलेंगे? एक जो दूसरा मौका मिलेगा, पहला निकल गया, दूसरा मौका जो आपको मिलेगा, अभी जो बच्चे क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं, इनके जब मेन एग्जाम होंगे, जैसे अभी आप लोगों के मेन एग्जाम हुए थे अप्रैल में, सेम वैसे ही अभी इन बच्चों के मेन एग्जाम होंगे, लगभग मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके साथ आप बैठ करके दोबारा बैक पेपर दे सकते हैं, और उसी सब्जेक्ट का बैक पेपर देंगे जिसमें आपने पहले फॉर्म फिल किया था।
ऐसा नहीं कि आप पहले मैथ में फेल हुए थे तो अभी आपका साइंस में साइंस का बैक पेपर का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसमें आपने पहले बैक पेपर का फॉर्म फिल किया सेम वही पेपर आप दोबारा भरेंगे। अब अगर बात करें कि दूसरे मौके में भी अगर आप फेल हो जाते हैं अब आगे क्या करें, तो देखो दूसरा आपके पास मौका निकल गया, मैंने आपको कहा 3 मौके हैं, तो तीसरा मौका आपको कब मिलेगा? तीसरा मौका आपको तब मिलेगा जो बच्चे अभी आप लोगों के साथ दूसरे मौके में मेन एग्जाम देंगे, उनमें से भी कई बच्चे फेल होंगे, कईयों की बैक आएगी, कईयों की कंपार्ट आएगी, तो उनके भी जब बैक पेपर या फिर उनका इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल होगा तो उनके साथ आपको फिर से तीसरा मौका मिलेगा। यानी दूसरे मौके में लगभग अभी आपको 5 से 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, पर तीसरे मौके में आपको मात्र 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तुरंत उनके बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म फिल किए जाएंगे। बट अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि बैक पेपर का फॉर्म आ गया है या कैसे भरा जाए? तो देखो अभी कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे 10th 12th के, तो आपने कॉलेज में जरूर कांटेक्ट बनाए रखना है, और एक बार आप जैसे अभी आप लोगों का रिजल्ट आ गया तो स्कूल में जाकर के आपने बताना है कि सर हमने भी बैक पेपर सर या मैम बैक पेपर का फॉर्म फिल करना है, या फिर देखो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट का दिया था उनके पास एक ही मौका था, बट बैक पेपर वाले बच्चे अभी 2 बार और पेपर दे सकते हैं। अगर आप रेगुलर करना चाहें तो रेगुलर कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 मौके और है तो आप सिंपल उसी सब्जेक्ट का बैक पेपर दें जिसमें आप फेल है। तो आपने स्कूल में कांटेक्ट करना है कि हमें भी क्या करना है, बैक पेपर का फॉर्म फिल करना है, तो जब भी उनके फॉर्म भरे जाएंगे रेगुलर वालों के, उन्हीं के साथ आप लोगों के फॉर्म भी फिल कर दिए जाएंगे, तो सिर्फ आप तब बैक पेपर का ही एग्जाम दे पाएंगे जब मेन एग्जाम होंगे। तो बाकी देखो और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इंस्टा पर बच्चों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, या जो भी आपके डाउट्स हो वो आप इंस्टा पर पूछ सकते हैं। तो फेल होने के बाद देखो जो न्यूज़ आई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ तो इसको मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये रही आपके सामने, देखो फेल परीक्षार्थियों को पास होने के लिए मिलेंगे 2 और अवसर। ये मैं आपको जब आप लोगों का बैक पेपर का फॉर्म फिल हो रहा था उससे पहले ही मैं आपको ये सब जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूँ। इसका बैक पेपर का पूरा जीओ है हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा बैक पेपर का जीओ भी पढ़ सकते हैं। इस न्यूज के बाद मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फेल परीक्षार्थियों को पास होने के लिए मिलेंगे 2 और अवसर। उत्तराखंड बोर्ड में सुधार परीक्षा देने के बाद भी फेल हुए परीक्षार्थियों को पास होने के लिए 2 और मौके दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के अलावा बाद में फिर सुधार परीक्षा में वह शामिल हो सकते हैं। देखो पहले मेन एग्जाम में, फिर उसके बाद बैक पेपर में दोबारा शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की इस साल हुई मुख्य परीक्षा में फेल हुए 21,000 परीक्षार्थियों ने सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किया था, यानी लगभग इस बार 21 से 23 हजार बच्चे थे जिन्होंने बैक पेपर का फॉर्म फिल किया था या फिर इम्प्रूवमेंट का। हाई स्कूल में 2 विषय व इंटर में 1 विषय में फेल परीक्षार्थी ही सुधार परीक्षा के लिए योग्य हैं। शुक्रवार को सुधार परीक्षा के रिजल्ट में हाई स्कूल में 8,780 व इंटर में 6,923 बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। हाई स्कूल में 3,176 और इंटर में 2,423 फेल हुए हैं। परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने बताया कि परीक्षार्थी को 3 बार मौका दिया जाना है। सुधार परीक्षा में फेल छात्रों को अभी 2 और मौके पास होने के लिए मिलेंगे। तो ये आपने पूरी न्यूज़ देखी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैक पेपर का जियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, कंपोजर टाइप कर लेना है आपने गूगल क्रोम में जाकर के। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको इजिली पता है कहाँ पर जाके मिलेगा, तो कंपोजर टाइप करना है, कंपोजर होम पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में आप ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यूके बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैक पेपर, बैक इम्प्रूवमेंट पेपर जियो, ठीक है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको आप इजिली पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है आपके बैक पेपर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, या फिर आप इंस्टा पर हमें फॉलो कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये थी बैक पेपर में जो बच्चे फेल हुए हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी, और मार्कशीट आप लोगों की कब आएगी या जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको इंस्टा पर बता दूंगा। और बात करें मार्कशीट या फिर जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है, हम क्लियर पास हो रहे, तो आप रीचेकिंग करा सकते हैं। रीचेकिंग के लिए मैं आपको पहले से एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, पूरी प्रोसेस बता चुका हूँ उसमें, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और बाकी और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।